अच्छा जी बच्चों, एक क्वेश्चन की काफ़ी कॉन्स्टेंटली मेरे पास फरमाइश आ रही है कम्युनिकेशन के, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की कुछ फरमाइश काफ़ी कॉन्स्टेंटली मेरे पास आ रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, और मिड टर्म तक के लिए हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बल्कि ज़्यादा ही कर लिया एक्चुअली में। और हम लोग जो हैं वो अब ऑब्वियसली रिवीजन क्लासेस की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने P5 का रिवीजन भी कर लिया था। आज आप लोगों की जो जो क्यूरीज हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, कि जिसको किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, इंफॉर्मेशन मे बी कैरीड बाई मीन्स ऑफ वेरियस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, नेम एग्जाम्पल इन वन ईच केस फॉर अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन कैरीड यूजिंग वायर पेयर। वायर पेयर कहाँ पे यूज होते हैं? तो वायर पेयर हमारे पास टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर वायर पेयर यूज होते हैं। कोएक्सियल केबल्स कहाँ पे यूज होते हैं? तो एक कोएक्सियल केबल्स जो है दैट आर यूज इन टीवी टेलीविजन या केबल कम्युनिकेशन के अंदर, या केबल चैनल वगैरह के इस्तेमाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। और माइक्रोवेव लिंक्स जो है वो नॉर्मली हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन या सेटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल फाइबर का हमारे पास कोएक्सियल केबल के मुकाबले में, कोएक्सियल केबल इज एक्सपेंसिव कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर, एंड कोएक्सियल केबल इज लेस सिक्योर्ड देन ऑप्टिकल फाइबर। डेटा इन कोएक्सियल केबल ट्रेवल्स स्लोअर एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स में ये डेटा जो है वो बड़ी तेजी से ट्रेवल आउट करता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से लो कॉस्ट भी बिल्कुल होती है, लॉन्गर बैंडविड्थ भी होती है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे उसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमसे कह रहा है कि द ऑप्टिकल फाइबर हैज अ लेंथ ऑफ 62 किलोमीटर्स, अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ इज 0.21 डेसिबल्स पर किलोमीटर। द इनपुट पावर टू द फाइबर इज पी। हमने इनपुट पावर कितनी दी है? पी दी है। एट द रिसीवर द नॉइज पावर इज 9.2। ठीक है, द सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है आपके पास SNR विच इज इक्वल्स टू 25 डेसिबल्स। कैलकुलेट द रेशियो इन डेसिबल्स इनपुट पावर टू द नॉइज। अच्छा जी, इनपुट पावर टू द नॉइज का रेशियो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ वे टू कैलकुलेट इट, लेकिन मैं एक शॉर्टकट आपको सिंपल सा दे देता हूँ। ठीक है, लेट मी गिव यू एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, दैट्स वेरी सिंपल। के इनपुट पावर टू नॉइज रेशियो ये सिंपली बराबर हो सकता है आपके पास टोटल अटेन्यूएशन प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है जी, यानी यू कैन सिंपली यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस रेशियो। अब यहां पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि, और आपको बहुत दिल चाह रहा है कि आप बैठ के इसको ड्राइव करना चाह रहे हैं, यू कैन ड्राइव इट एज वेल, आपकी मर्जी। अगर आप इसको ड्राइव भी करना चाहें तो उसका तरीका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे ड्राइव होगा ये। बट पी एन अपॉन पावर ऑफ सिग्नल, इनपुट पावर और नॉइज पावर का आपने रेशियो निकालना है। तो टोटल अटेन्यूएशन क्या हो जाएगी? दैट इज 62 किलोमीटर की लेंथ है, और हर एक किलोमीटर में 0.21 डेसिबल्स की अटेन्यूएशन होती है। तो टोटल अटेन्यूएशन क्या हो जाएगी? 62 मल्टीप्लाई बाय 0.21 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको 25 डेसिबल्स का गिवन है। ठीक है जी, व्हाट यू कैन सिंपली डू, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 62 × 0.21 और प्लस इसमें कर सकते हैं आप 25 को, तो आंसर इज आई गेस 38 है ना। रेशियो क्या आ रहा है? 38, यानी इनपुट सिग्नल जो है वो इस केस में 38 टाइम्स बड़ा होगा नॉइस से। ठीक है जी, दिस इज एक्चुअली द रेशियो दे आर टॉकिंग अबाउट।
जी विनीत, आपने और कुछ पूछना है? अच्छा, सर नेक्स्ट इज, क्वेश्चन 37 का पार्ट सी करा दे, 37 का। अच्छा पार्ट टू भी करा देता हूं। तो अब आपको इनपुट पावर को डिटरमाइन करना है कि आपकी इनपुट पावर कितनी है। यूज योर आंसर इन वन टू डिटरमाइन दी इनपुट पावर, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके। तो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है? हमें नॉइस की पावर हमें गिवन है, ठीक है, पावर ऑफ नॉइज हमें गिवन है, और इसके अलावा हमें जो है वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी गिवन था, वो हमने यूज अप कर लिया, ठीक है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो रेशियो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। वी कैन यूज अप दिस रेशियो, और पावर आउट हमें नहीं पता, ठीक है ना। पावर आउट अगर नहीं गिवन तो फिर हम क्या करें? अच्छा जी, तो हम इसी रेशियो को यूज कर लेते हैं ना। हम ये कह देते हैं कि ये रेशियो बराबर हो जाएगा 10 log, क्योंकि हम लॉगरिथम स्केल में या अटेन्यूएशन मेजर कर रहे होते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 10 log पी इन अपॉन पी नॉइस, ठीक है जी। रेशियो हमारे पास आया है 38 इज इक्वल्स टू 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ऑब्वियसली 3.8 हो जाएगा। लॉग पी इन हमें निकालना है और नॉइस की पावर हमें गिवन है। नॉइस हमारे पास कितनी है? 92 माइक्रो वॉट्स। लेट्स पुट द वैल्यू 9.92 × 10⁻¹, ठीक है जी। तो हमने यही रेशियो लगा के 9.2 है, सॉरी दिस इज नॉट 92, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड ठीक है जी। तो ये आपके पास हो जाएगा 10^3.8 multiply by 92 × 10⁻¹ is equals to p. क्या वैल्यू आ रही है pn की, कोई कैलकुलेट करके बताए मुझे। सॉरी, जी That is 0.058, ठीक है। और मेरे ख्याल मार्किंग स्कीम में यही आंसर है इसका, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58 × 10⁻³, या 58 mW। हाँ अजान, तुम कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? क्वेश्चन 37। मटेरियल फॉर विच द कंपोनेंट लेबल ए ऑन फिगर इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर ब्रेड होती है, स्टेट द टू फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ये शील्ड के तौर पे काम करती है या न्यूट्रल वायर के काम के तौर पे काम करती है। व्हाट इज मीन बाय अटेन्यूएशन? अटेन्यूएशन जो है आपके पास दैट इज अ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ चैनल। स्टेट एंड एक्सप्लेन द अटेन्यूएशन इन
वाई द अटेन्यूएशन इज फ्रीक्वेंटली मेजर इन डेसिबल्स, क्योंकि आपके पास लीनियर स्केल में द रेशियोज आर वेरी लार्ज, ठीक है, सो दे आर एक्चुअली मेजर इन लॉगरिथम स्केल, लॉग स्केल में या डेसिबल्स की फॉर्म में मेजर किए जाते हैं. फिर कह रहे हैं द टीवी एरियल इज कनेक्टेड टू द रिसीवर ऑफ द कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ 11 मीटर्स, द अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ इज 90 डेसिबल्स पर किलोमीटर, कैलकुलेट द रेशियो. अगर ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आउटपुट अपॉन इनपुट. अच्छा जी, तो हम टोटल अटेन्यूएशन निकाल लेते हैं. टोटल अटेन्यूएशन कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.09 आ रही है, 190, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये मीटर में है और ये वैल्यू किलोमीटर में गिवन है, ठीक है ना. तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या वैल्यू आ रही है सर, 2.09, ठीक है, ये टोटल अटेन्यूएशन हो गई. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 लॉग पी आउट अपॉन पी इन. बाय द वे, अब मैं पी आउट अपॉन पी इन ले रहा हूं इसलिए मैं इस यहां पे अटेन्यूएशन के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा. अगर मैं पी इन अपॉन पी आउट लेता हूं तो मैं अटेन्यूएशन को पॉजिटिव में ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैं पी आउट अपॉन पी इन लेने लगा हूं, क्योंकि आउटपुट सिग्नल टू इनपुट सिग्नल का रेशियो निकालना है. ये एक्चुअली में ये चीज पूरी की पूरी ये है. तो दैट इज माइनस 2.09 डिवाइडेड बाय 10 और इसका लॉग, और ये रेशियो हमें पी आउट अपॉन पी इन हमें निकालना है, ठीक है जी. तो इसको
जी सॉरी बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी। चलिए सो दिस वाज द क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग। क्या रेशो की वैल्यू आ रही थी भाई अजान? हेलो आवाज आ रही है भाई? जी सर आ रही है। हाँ क्या वैल्यू आई थी रेशो की? 0.61 आई है, सही आ गया। जीरो पॉइंट समथिंग आ रही है मार्किंग स्कीम में, सही है ना? यही वैल्यू आ रही है ना मार्किंग स्कीम में भी है? जी सर यही आ रही है। अच्छा जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए भाई, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूँ। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है और? अच्छा जी, मैं आप लोगों को मई जून 2020 का जो पेपर हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, उसके कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं। दिस इज मई जून 2020 पेपर 4-1 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, the transmission of the signal using optical fiber has to greater extent replace the use of coaxial cable. Suggest advantages of optical fiber includes greater bandwidth and very little cross linking. Suggest an advantage of greater bandwidth. Gee, what is bandwidth or kya advantage hota hai bandwidth ka? जी कोई बताएगा व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बैंडविड्थ? जी ग्रेटर मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इट कैन कैरी और बेटर द क्वालिटी ऑफ डेटा इट कैन कैरी। ज्यादा बेहतर फ्रीक्वेंसी, ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कैरी करता है, इसका मतलब है कि ज्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ डेटा कैरी कर रहा होता है। व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस लिंकिंग? क्रॉस लिंकिंग क्या होती है? What is cross-link? जी when the signal of one channel enters the boundary of the other channel, it is known as cross-link. जब एक सिग्नल अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के किसी दूसरे चैनल की बाउंड्रीज में एंटर हो जाए तो उसको हम कहते हैं cross-link. In telecommunication, a signal power is 1.0 milliwatts is used as a reference power. A signal power relative to the reference power and expressed in decibels are said to be measured in decibels m. Okay. Show that the signal power 13 decibels is equivalent to 20 milliwatts. Okay, ji. तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल उसने किया है कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर एक सिग्नल पावर जो है, अ सिग्नल पावर इज 1 मिलीवॉट यूज एज ए रेफरेंस पावर, इसको हम रेफरेंस पावर के तौर पे यूज करते हैं। द सिग्नल पावर रिलेटिव टू दिस रेफरेंस, जो आपके सिग्नल की पावर जो होती है रिलेटिव टू दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड इन डेसिबेल्स, जिसको हम ऑब्वियसली डेसिबेल्स लॉगरिथम स्केल में मेजर कर रहे होते हैं, are said to be measured in decibel m, ठीक है जी, dBm, ये एक इन्होंने यूनिट दिया है dBm. Show that the signal power 13 dBm is equivalent to 20 milliwatts. तो आपके पास 13 dBm, ठीक है, किसके बराबर होता है? 20 milliwatts के बराबर होता है. जी, ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? Any bright ideas?
जी रमशा, अजान, जैनब, विनीजा, बेटा आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? नेहा, नो बडी वो बॉदर्स टू रिप्लाई मी इवन। अच्छा जी, हाँ भाई, तो 13 डेसिबल्स को हम कैसे शो करेंगे भाई? देखिए जनाब, ये जो हमें रेशियो है, ये रेशियो हमें बताया गया है 13 dBm का। शो दैट द सिग्नल पावर ऑफ dBm इज 20 mW, ठीक है? तो 20 mW की हमें पावर जो है ये हमें शो करनी है, इसके बराबर होती है। इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये रेशियो बराबर होगा 10 log, ठीक है, पावर ऑफ सिग्नल जो हमें निकालनी है अपॉन पावर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पावर को हम यूज करेंगे। रेशियो हमारे पास 13 = डिवाइड बाय 10 कर देते हैं डायरेक्टली, लॉग पी सिग्नल पी रेफरेंस। रेफरेंस हमें कितना गिवन है? 1 × 10⁻³ के। तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 10 / ये 10 एंटी लॉग ले लेंगे, 10^(1/3), 1.3 एंटी लॉग ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10⁻³ से, और इसको इक्वल्स कर देंगे हम पी सिग्नल के। तो कैलकुलेट करके बताइएगा, 10^(1/3) मल्टीप्लाई बाय 1 × 10⁻³, और ये सिग्नल की क्या पावर आ रही है? अजान, विनीजा, क्या वैल्यू आ रही है बेटा? ठीक है, ये हमारे पास आ रही है पावर ऑफ सिग्नल जी नेहा, दैट इज 0.0199। बेटा इसको जरा, ये वॉट्स में आई है बच्चों हमारे पास, इसको जरा मिली वॉट्स में कन्वर्ट कर देना जरा, क्योंकि मिली वॉट्स में इक्वल लाना है इसको, यानी इसको डिवाइड बाय 10^(-3) करो, तो ये मिली वॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? क्या वैल्यू आ रही है? या मल्टीप्लाई बाय 10^(3) करो, तो 19.95, यानी जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 20 mW। ठीक है जी, इसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। मेरी तबीयत जो है ना वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही खराब हुई हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, द सिग्नल ऑफ इनपुट पावर इज 20 मिलीवॉट्स इज ट्रांसमिटेड अलोंग एन ऑप्टिकल फाइबर ऑफ एन अनइंटरप्टेड डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स। हमारे पास इनपुट पावर कितनी है 20 मिलीवॉट्स की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 45 किलोमीटर का। द ऑप्टिकल फाइबर एट दैट एटेन्यूएशन ऑफ 0.18 डेसिबल्स पर किलोमीटर कैलकुलेट द आउटपुट पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। आउटपुट पावर आपको कैलकुलेट करनी है, वो दैट्स वेरी सिंपल अगेन। तो टोटल एटेन्यूएशन पहले निकालते हैं, टोटल एटेन्यूएशन किसके बराबर होगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 0.18। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.18 कितनी आ रही है टोटल एटेन्यूएशन, तो 8.1 की टोटल अटेन्यूएशन आ रही है। फॉर्मूला लगाएंगे, अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 लॉग पी इन अपॉन पी आउट। मैं पी इन अपॉन पी आउट रख रहा हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं इस वैल्यू को, दैट इज 10 की पावर 0.81 और P out आपको निकालना है, is equals to P in upon P out, तो ये हो जाएगा P out is equals to 2 in 20 into 10 to the power, बल्कि मिली में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 20 और divided by 10 to the power 0.81। क्या पावर आ रही है भाई जरा बताइएगा आउटपुट की, तो 20 से ये डिक्रीज होके 3.1 मिलीवॉट्स हो जाएगी। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी के 4.2 का, क्योंकि 4.2 और 4.1 और 4.3 सेम होता है, 4.2 अलग होता है। 4.2 एक्चुअली इज आवर वेरिएंट, पाकिस्तान का वेरिएंट है, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ख्याल रखिएगा इसका। टेलीफोन सिग्नल्स में भी ट्रांसमिटेड आइदर बाय मींस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और बाय मींस ऑफ वायर पेयर, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, ग्रेटर बैंडविड्थ, मोर सिक्योर, लेस कॉस्ट, बहुत सारे उसके हैं हमारे पास। ठीक है, It is a purpose to transmit a signal over a distance of 4.5 into 10 to the power 3 kilometers by means of optical fiber. The input signal has a power of 9.8 milliwatts. The minimum signal that can be detected at the output has a power of 6.3 into 10 to the power minus 17 watts. For this signal, the signal to noise ratio is 21. Background noise nikal liya. तो बैकग्राउंड नॉइज निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो का, SNR इज इक्वल्स टू 10 लॉग, आउटपुट पावर ये है मिनिमम 6.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज। ठीक है जी, SNR हमें 21 के मैंने 10 से डिवाइड हो जाएगा और इसका मैं 10 की पावर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर, 90 लॉग भी ले लिया मैंने 2.1 पहले यहाँ पे मैंने, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको, ये 21 होगा, इसको मैंने 10 से डिवाइड करूंगा और फिर उसका एंटी लॉग ले लिया, फिर नॉइज की पावर निकालनी है तो ये हो गया 6.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज। तो पावर ऑफ नॉइज हमारे पास कितनी आएगी, 6.3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2.1। क्या वैल्यू आ रही है नॉइज की, ऑब्वियसली आउटपुट सिग्नल से भी है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स छोटी होगी, तो 10 टू द पावर माइनस 19 में आ रही होगी आई गेस।
बताइएगा भाई क्या वैल्यू आ रही है। जी 5 × 10⁻¹⁹, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो दिस इज 5 × 10⁻¹⁹ वॉट्स। ठीक है जी। द मैक्सिमम अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट अलाउ अनइंटरप्टेड, मैक्सिमम अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ आपको चाहिए, तो टोटल अटेन्यूएशन हमें निकालनी पड़ेगी, फिर उसको टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ मिलेगी। ठीक है। अच्छा जी, टोटल अटेन्यूएशन लेंथ आपको गिवन है, इनपुट पावर भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है, अटेन्यूएशन हमारे पास निकल सकती है टोटल। ठीक है ना। तो अटेन्यूएशन जो हमें निकालनी है अभी, इट इज इक्वल्स टू 10 log, इनपुट पावर हमारे पास कितनी है 9.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.3 × 10⁻¹⁷। ये हो जाएगा हमारे पास, इसके पास इससे अटेन्यूएशन आ जाएगी। बताइए कितनी अटेन्यूएशन आ रही है। ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4.5 × 10³ से, तो क्या आंसर आ रहा है 0.0315 या 0.032। तो हमें टोटल अटेन्यूएशन पर किलोमीटर कितनी मिलेगी, 0.032 डेसिबल्स पर किलोमीटर। मैंने किलोमीटर्स को मीटर में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था क्योंकि आंसर किलोमीटर में मांगा गया था। ठीक है जी। सो इस तरीके से 7 to 8 मार्क्स का आपके पास हमेशा कम्युनिकेशन का सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। क्वेश्चन इज इजी, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। अटेन्यूएशन माइट बी पॉसिबल, वॉन्ट बी कमिंग इन योर पेपर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन काफी अर्सा हुआ नहीं आए, और आप लोगों के जो पेपर जो होगा 2021 में माइट बी दे विल गिव यू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह, उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास मेरा ख्याल है हम यहीं रोकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन और पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज दिस इज इट फॉर टूडे। कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। और एनीवन, अबान, हरीम, फातिमा, जैनब, सिनान, नेहा, रमशा, सारिम, सुफियान, तस्मिया, नबील, तैयब, मेसम, कोई सवाल है भाई? चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है। And take care, Allah Hafiz.